हमारे यहाँ के मंत्री बने भाई साहब, चुन के कांग्रेस से गए थे, आप लोगों ने हम लोगों ने मदद की थी उनकी, फिर चुन के चले गए, एक बार जीत गए, दूसरा उपचुनाव फिर जीत गए, फिर इस बार भी जीत गए। इनके साथ पिछले 5 साल में 65 नेता गए थे, विधायक गए थे, कोई जिलाध्यक्ष गया था, कोई कोई गया था, कोई कोई गया था। आपने देखी होगी लिस्ट, मैंने थोड़े दिन पहले जारी की थी, देखी नहीं? देखी, उसमें 56 का है पता ही नहीं है, 5-6 बच्चे हैं, अगली बार ये भी नहीं दिखेंगे, चिंता मत करना। कहने का अर्थ ये है कि आखिर लोकतंत्र में इस तरह की भावना क्या एक सभ्य परंपराओं को या लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल देती है या उसको समाप्त करती है? अरे आपने मोदी गारंटी की बात की, अब भी 3 महीने पहले कहा था 2700 गेहूं के दाम देंगे, 3100 धान के दाम देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, 3000 बहनों को देंगे। आपने शिवराज जी ने बड़े बड़े पांडाल लगाए और भाषण दिए कर्ज लेके, मैं रोज बोलता था, आप देखते होंगे वीडियो वीडियो कभी सुनते भी होंगे, पर वोट इनने ले लिए और विधायक 160 से ऊपर चुन के भी चले गए। लोकतंत्र में जो जीता हो सिकंदर, अरे जो जनता ने परिणाम दिया, जनादेश दिया सर माथे पर, जैसे ही वहां विधायक इकट्ठे हुए तो एक पर्ची निकली और पर्ची का मुख्यमंत्री बना दिया। ये संभव है देश में लोकतांत्रिक परंपरा है? अरे एक पर्ची आई ऊपर से और उसमें कहा कि ये लो शिवराज जी पढ़ो तो ये नाम, तो हमारे मोहन यादव जी पर्ची के मुख्यमंत्री है कि नहीं है? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? अब जब से पर्ची के मुख्यमंत्री बने, रोज मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हमारे विधायक भी करते हैं, हमने सदन में भी बोला, पर आपने जो कहा रामायण और गीता जैसे वचन पत्र का पालन करो, एक शब्द भी नहीं बोलते। आज जितना क्राइम है, जितनी घटनाएं घटित हो रही है, जितने अपराध हो रहे हैं, जितनी लूट हो रही है, पुलिस वालों की हत्याएं हो रही है, गैंग रेप हो रहे हैं, आज 5 साल की बच्ची के साथ इंदौर में वारदात हो गई, तो जितना क्राइम आज है इतना 30 साल में कभी नहीं था। तो हमारे मुख्यमंत्री को के राज्य में क्राइम इतना बड़ा है, अद्भुत है पर्ची वाले मुख्यमंत्री। फिर पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने जब से आए 15,000 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया, पहले 3.5 लाख करोड़ रुपया है कर्ज, 40,000 करोड़ रुपया हर साल हमें ब्याज देना पड़ रहा है, लेनदारियां देनी पड़ रही है, 2 लाख करोड़ के बजट। वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए 15,000 करोड़ का कर्ज 250 करोड़ रुपए का रोज के हिसाब से ले लिया, और थर्ड करप्शन बाप रे बाप इतना अधिक बढ़ा इस 2 महीने में कि लूट की छूट। एक आदमी ऐसा ही है भाई साहब, पहले मंत्री बने थे विद्युत, आजकल भी है, तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले वहां जाते थे गोडाउन चेक करूंगा, गोडाउन तो चेक करेगा, यही गोडाउन में पहले देखूंगा कितने हिसाब किताब देखूंगा, गोडाउन सबसे छोटी इकाई होती है विद्युत मंडल के। अरे आप लोगों के बिजली के बिल कम कैसे हो, लोगों की सहायता कैसे, उनको सहूलियत कैसे मिले? बिजली के बिल जिस दिन ये बने थे और आज बने, हम जब सरकार में थे आपको 100 रुपया 100 यूनिट आता था, अब तो सबको 100 रुपये ही आ रहा होगा बिजली का बिल, भाभी 100 रुपये आ रहा है, कितना आ रहा है? 1,000 2,000 3,000, और मतलब अद्भुत है ये, यहाँ कभी विद्युत मंत्री के यहाँ कभी कम आ रहे हो, कुछ देखने से तो अलग बात है, पर पूरे प्रदेश में तो हालात खराब है। तो 3 का पर्ची वाले मुख्यमंत्री के प्रिय है, करप्शन, कर्ज और क्राइम, ये हमारे मुख्यमंत्री की पहचान बन रहा है। मैं सद्बुद्ध देशवर अमित शाह को भी और हमारे मोहन यादव जी को, आपने जो बोला मोदी की गारंटी कही पूरी करो, भाषण मत दो। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल ग्वालियर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी साथियों के साथ संवाद किया। जल्द ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर पहुंचेगी। यात्रा से पहले तैयारी का जायजा लेने के लिए और कार्यकर्ताओं के बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोहन यादव को पर्ची वाला मुख्यमंत्री बता दिया। जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अमित शाह जी ने यहां पर आकर बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन लोकतंत्र में पर्ची का मुख्यमंत्री भी उन्होंने ही दिया है। जो हमारे पिछले मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत मेहनत की बीजेपी की सरकार लाए, जो जीता वो सिकंदर, पर जब विधायकों को बुलाया गया तो उनके हाथों में एक पर्ची दी गई, उसी पर्ची के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। इनको 3 चीज बहुत पसंद है, एक तो बहुत क्राइम हो और उनकी दूसरी पसंद करप्शन है,
जिसमें मध्य प्रदेश बहुत आगे जा चुका है और तीसरी पसंद कर्ज है। लगभग 2 महीने में 15,000 करोड़ का कर्ज इन्होंने ले लिया है। तो इस पर्ची की सरकार के लिए जरा आप लोग भी मदद कीजिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बूथ मुक्त कांग्रेस को लेकर पीसीसी के पटवारी ने कहा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, तो फिर अमित शाह बोलते वक्त क्यों भूल जाते हैं कि मोदी सरकार की गारंटी का क्या हुआ, 3,000 रुबहनों को देने के वादे का क्या हुआ, ये लोग क्यों नहीं बोलते कि रोजगार देने के बजाय अग्निवीर योजना दे दी। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में स्थानीय नेताओं से 2 मार्च की न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। यह न्याय यात्रा अंचल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। बैठक में मुख्य रूप से उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, शिव भाटिया, महापौर डॉ शोभा सिकरवार, पूर्व सांसद रामसेवक बाबूजी, पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव, बालेंद्र शुक्ल, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ देवेंद्र शर्मा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे, विधायक सतीश सिकरवार मौजूद रहे।